तहसीले से लेकर और विधानसभा स्तर तक, विधानसभा क्षेत्र किसको बोलते हैं, जो तहसील होती है, हमारा भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला महासचिव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में लगा कस्बे से लेकर और जिले तक पूरे राजस्थान में रेल में ट्रक जाम किया जाएगा। और कल आपको ये काम करना है, जिस तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज कराया है, झूठा कराया है, जबकि पुलिस के साथ मारपीट हुई नहीं है, कल कोर्ट में जाके पूरे राजस्थान में हर जिलाध्यक्ष मुकदमा दर्ज उसके नाम कराएगा। अब भी हम अल्टीमेट दे के आए, यदि हमारे किसी भी भाई को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरे राजस्थान की टीमें तैयार बैठी हुई है, जिले स्तर पर गिरफ्तारी होगी, बहुत बड़े लंबे स्तर पर। इसलिए कल आपको जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया है, इस भाई का हाथ तोड़ा है, कोर्ट के द्वारा आपको मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कराना है। पूरे राजस्थान में हर खिलाफ के हर कोर्ट के द्वारा कराएगा। ठीक है, तैयार हो? तैयार है। मेरी बात सुनो, ये बेवकूफ बैठना हम पसंद नहीं करते, या बैठ गए आके और जयकार दे लिए, कुछ होने वाला नहीं है। जो अप्रैल को दोहराना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। और ये लोग जो अधिकारी ये जो रौब से बात करते हैं ना, रौब से बात करते हैं, आप रोटी खाते हो उससे भी टैक्स जाता है, तब जाके इनको तनख्वाह मिलती है। ये लोग इनके नौकर आप नहीं हो, समझ रहे हो? और ये गिरफ्तारी होती रहेंगी जब तक इनके खिलाफ तुम्हें एक्शन नहीं लोगे। इनको पता होना चाहिए, इनकी लड़ाई भी लड़ते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब लक्ष्मण गौर साहब को, बैठ जाओ, लक्ष्मण गौर साहब को एंट्री कैंसिल के द्वारा, दलाल के द्वारा ट्रेस किया था, भीम आर्मी ने कलेक्ट्री में किया था, उनको भी बचाया था हमने। इनको सोचना चाहिए। अरे बढ़िया में बात है, जब हमारी वह घेरा हुआ कलेक्ट्री भरतपुर पर, तब जाके हेमंत ने साहब सर्वे करने आए थे, और तब बाल हुए, लक्ष्मण गौर साहब ने हमको बुलाया था घर पे, कि मेरे भाई, मेरे जाति के बनके, मेरे गोत्र के बनके, मेरे समाज के बनके, मेरा साथ किसी ने दिया, काम निकलवाने के लिए सब लोग आए, मगर मेरा साथ दिया तो भीम आर्मी ने दिया। अब इन लोगों की लड़ाई भी लड़ते हैं, अगर इन्हें किसी का फोन हो तो लक्ष्मण गौर साहब को फोन कर सकते हैं। यही के बताते हैं जिला करौली का अंतर्गत हमारे जो पहले SP साहब थे मधुकर कसावा जी, उनको कोड़ा भीम दिखाया कि यार मीणा ने जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की थी, भीम आर्मी टीम और विकास फौज ने, मैं खुद ने कोड़ा भीम तहसील के अंतर्गत सबसे बड़ा आंदोलन किया था आदरणीय मधुकर कसावा जी के समर्थन के अंतर्गत। जो व्यक्ति सही है वो सही है, उनका साथ देते हैं, मधुकर जी से पता कर सकते हैं, और पुलिस प्रशासन को पता था कि हमारा आंदोलन यही जाता है। बिल्कुल तो गलत केस हमें पसंद नहीं है, हमारे पास झूठे केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। तहसीलदार को सुबह देता है लड़ाई रहना है वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा करना, हम तो सौगन भाई है चरणों सर चरणों में बाबा साहब के पास, कभी हजार भाई मेरे बाबा साहब की मूर्ति के आगे नहीं, कल ये हाथ टूटे गए, ये हाथ टूटे गए। अरे जब जब हजार भाई हथियार चेक के उठा देखिए पुराना बाबा साहब क्या बंद दिया जाए सबकी सहमति हो तो सर फरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, जोर कितना मेरा दिल में है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरी बात एक बात सुनो भाई, ये सम्मान करवा रही है भरतपुर जिला, मेरे पास सुनो, भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर के संभाग प्रभारी भीम आर्मी के जितने भी पेंडिंग मामले पड़े हैं इनको दीजिए, इनको दीजिए आप, जिनमें केस में अभी कार्रवाई नहीं हो, और ये हमारे पास पहुँचाएंगे। और इस 10 दिन के भीतर क्या करोगे, मैंने पहले ही बताया था आपको 10 आदमी टीम बनानी है, गौरव श्रीवास्तव आई साहब से मिलने जाना है, मेरा ध्यान सुनो भाई, गौरव श्रीवास्तव आई साहब से मिलने जाना है, संभाग आयुक्त से मिलना है, DGP और राजस्थान खाते और MLA साहब के पास में भी जाना है, और रवि प्रकाश महरणा जी जो क्राइम ब्रांच के DG हैं उनसे भी मिलने जाना है,
वहां मैं मिलने स्वयं जाऊंगा टीम के साथ में डीजीपी एमएलए ठा साहब और उनसे मिलने कमेटी साथ में जाऊंगा। मगर 10 दिन के बीच में आपको सब अधिकारियों से मिलना है एक बार और सीएम हाउस भी जाना है। अब सीएम हाउस का टाइम सुनो, पहले सोमवार को खुलता है 9 बजे से और बृहस्पतिवार को सीएम साहब मिलते हैं, समझ रहे हो क्या? आपको 10 दिन में यह कार्रवाई करनी है और जब फिर भी सुनवाई नहीं होती है फिर हम रेल बैठा जिससे हमको